गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक नगर में हुआ था। उनके पिता उन्हें आईसीएस अफसर बनाना चाहते थे, जिसकी परीक्षा उन्होंने इंग्लैंड जाकर उत्तीर्ण भी कर ली, लेकिन भारत माता के प्रति अगाध श्रद्धाभाव के कारण उन्होंने उस पद से त्यागपत्र दे दिया। राजनीति में प्रवेश करने के बाद उनका प्रभाव बढ़ने लगा और वे 2 बार कांग्रेस में अध्यक्ष चुने गए, लेकिन महात्मा गांधी के साथ मतभेद होने के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक संस्था, एक दल की स्थापना की। उन्हें अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया गया। वो वहाँ से निकलना चाहते थे और अंग्रेजों की आँखों में धूल झोंक कर वे 1941 यानी 1941 में जेल से निकल गए। सिंगापुर के आसपास बड़ी संख्या में भारतीय बसे हुए थे। सुभाष चंद्र बोस वहाँ पहुँचे और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। प्रवासी भारतीयों ने इस फौज में बढ़ चढ़कर धन दिया। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपनी सेना को नारा दिया, दिल्ली चलो। वहीं सिंगापुर में रहकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना की और उन्होंने जय हिंद का नारा भी दिया। आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध अनेक मोर्चों पर युद्ध भी किया। उनकी सेना बर्मा, जिसका नाम वर्तमान में क्या है, म्यांमार, यानी म्यांमार की ओर से कई जगह है भारत की सीमा में प्रवेश करने में सफल हुई। उन्होंने वहाँ पर तिरंगा लहराया और भारत के आज़ादी की घोषणा भी की। उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किंतु ईश्वर को यह मंजूर ही नहीं था। लंबे समय तक भारत माता की वे सेवा करते रहे। स्वतंत्र भारत का रूप वो अपनी आँखों से देख पाते। 18 अगस्त 1945 को एक हवाई यात्रा के दौरान उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वे भारत माता को स्वतंत्रता दिलाने के लिए संघर्ष करते हुए इस संसार से विदा हो गए। सन 1997 यानी 1997 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म शताब्दी मनाई गई है। आज हम सभी भारत माता के इस सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्यारे बच्चों, इस पाठ से आपने क्या सीखा? हमने सीखा कि अपने माता पिता की इच्छाओं की हमें पूर्ति करनी चाहिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और भारत माता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके बाय।